हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज अपन एक बहुत ही अच्छा ट्रिक देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो तो किसी भी मेटल का हम नेचर बता सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर एम्फोटेरिक है। एक कमाल का ट्रिक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो लेट्स स्टार्ट। अगर किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3 है तो उसके ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। ओके, +4 होने पे एम्फोटेरिक, और +5, +6 और +7 होने पे एसिडिक। तो चलो अपन कुछ देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा Na2O, यहां पे Na का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 ऑक्सीजन पे, और यहां पे कितना हो जाएगा? +1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं MgO, यहां पे -2, यहां पे कितना? +2। Fe2O3, यहां पे कितना? -6, यहां पे कितना हो जाएगा? +3। दो आयरन में बटेंगे इसलिए +3। ओके, नाउ कमिंग टू एम्फोटेरिक, इसके एग्जांपल्स देखते हैं PbO2, यहां पे Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 ऑक्सीजन पे, O2 पे, तो यहां पे कितना? +4। SnO2, इसमें भी Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अब अपना एसिडिक एग्जाम्पल इसका Mn2O7, -14 Mn2 पे कितना हो जाएगा? +7। CrO3, इस पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। V2O5, इसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +5। और CONO, N2O एटसेट्रा, इस तरह के जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या किसके अंडर में आते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब आ जाते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस पे। ओके, तो यहां पे क्या लिखा हुआ? एलिमेंट्स विद +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, +2 और +3 किसका होता है? बेसिक ऑक्साइड्स का होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैं जिनमें +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बावजूद वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये सारे उनके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और ये मेटल पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इधर मैंने लिखा है। लेकिन आप याद कैसे करोगे इसको? इसके लिए भी एक बहुत ही कमाल का ट्रिक है, तो चलिए लिखते हैं उसको। तो ट्रिक कुछ ऐसा है, कुछ फनी है, आपने याद ऐसे करना है। सुनो एसन के लिए, जनाबे अली ने बेकार गाया ऐसा पंजाबी सॉन्ग। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, सुनो जनाबे अली ने बेकार गाया ऐसा पंजाबी सॉन्ग। ओके, अब काफी इजी हो गया, अपने को ये याद रखना है। ऐसे ही एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। तो अब अपन देखेंगे कुछ इसके एप्लीकेशंस। ओके, तो उससे पहले अपन देख लेते हैं मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं। बेसिक सबों को पता होगा। और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक, राइट? तो इसका एप्लीकेशन है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में। ओके, तो यहां पे अपन देख रहे हैं पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक नेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है। और मेटालिक नेचर इंक्रीज करना मतलब क्या? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो अपन अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रॉब्लम में अपन देख पा रहे हैं नीचे जा रहे हैं पीरियडिक टेबल में। ओके, तो क्या होगा? टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका, फिर इसका, ऐसे होगा, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी सेम नीचे जा रहे हैं पीरियडिक टेबल में, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऊपर वाले चार्ट में अपन देख पा रहे हैं मेटालिक नेचर लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज कर रहा है,
मेटालिक नेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब नॉन मेटालिक नेचर क्या कर रहा होगा, इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ओके, तो आते हैं अपन प्रॉब्लम पे। तो इसमें क्या देख रहे हैं अपन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, किधर जा रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, तो ऑर्डर कुछ अपना ऐसा हो जाएगा। सेम इसमें भी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसका भी ऑर्डर कुछ इस तरह हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, VBI। एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल इंक्रीजेस, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा है। और अगर किसी को, जैसे कि किसी भी मेटल में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे ले लेता हूँ मैं, Mn2O3। ऑक्सीजन का तो पता है अपने को कितना, -2 एक के लिए, और इसका पता नहीं हम अपने को, तो x लिख देते हैं। ठीक, तो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, x इंटू कितना, ये 2 प्लस -2 इंटू कितना, 3 इज इक्वल टू 0। और यहां से x कैलकुलेट कर लेते हैं, x कितना आ जाएगा, +3। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट अपन लिखते हैं सबका, +2 इसका, +3, +4, +7। ओके, और अब कंपेयर कर लेते हैं, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसा हो जाएगा ऐसा। सो आई होप यू रियली इंजॉयड द वीडियो, सो काइंडली गिव्स अ थम्स अप, लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू एवरीवन।